क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी में अनीमिया, डायबिटीज और 5 बीमारियों का रहता है खतरा। आप इनसे बचाव कैसे करें, आइए जानते हैं ये जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें लोटस आयुर्वेदा इंडिया को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अगर आप शुरू से ही सजग रहेंगे तो आपको ये समस्याएं कम होंगी या फिर नहीं होंगी। आइए जानते हैं इनके कारण और इनसे बचाव से जुड़ी ये जानकारी। सबसे पहले, लोगों को मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत रहती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में लगभग 80% महिलाओं को सुबह सुबह जी मचलाने की या वॉमिटिंग की समस्या रहती है। गर्भावस्था के दौरान ह्यूमन क्रॉनिक गोनाड्रोटोपिन नामक हार्मोन को जिम्मेदार माना जाता है। जैसे ही स्त्री के यूट्रस में एग का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके शरीर में हार्मोन का सिक्रेशन तेजी से होने लगता है। इस दौरान उसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। इसी वजह से शुरुआती 3 महीनों में स्त्रियों को नौजिया या वॉमिटिंग की समस्या होती है। तो दोस्तों, सुबह उठने के बाद अपने पसंद की कोई भी नमकीन चीज खा लें। खाने के बीच में पानी ना पिए, इससे वॉमिटिंग की आशंका बढ़ती है। जिन चीजों की गंध से परेशानी हो, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। दिन में 1 या 2 बार वॉमिटिंग हो तो दवा लेने की जरूरत नहीं होती है, ये बहुत ही नॉर्मल है। दूसरी बीमारी है अनीमिया से संबंधित। दोस्तों, गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए स्त्री के शरीर में ज्यादा मात्रा में ब्लड की जरूरत होती है, इसीलिए उनके शरीर में ब्लड में प्लाज्मा का घनत्व बढ़ने लगता है। ऐसी दशा में अगर डाइट में आयरन की मात्रा ना बढ़ाई जाए तो शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाता है, इसीलिए इसको फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहा जाता है। इसके लिए अपनी डाइट में चुकंदर, हरी पत्तियों का सेवन, साथ ही साथ सेब, अनार, केला, अंजीर और खजूर का सेवन जरूर करें। चना, गेहूं का चोकर और रेड मीट में भी पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके साथ साथ संतरा, मौसमी, आंवला जैसे खट्टे फलों का सेवन जरूर करें, क्योंकि शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी का सेवन अनिवार्य है। दोस्तों, खानपान संबंधित गड़बड़ियां और रोजमर्रा की दिनचर्या के कारण शारीरिक गतिविधियों की कमी हो जाती है, इसीलिए डायबिटीज के लक्षण भी पाए जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको गर्भधारण करने के बाद भी मीठी चीजें, चावल, आलू और जंक फूड से दूर रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही डॉक्टर के अनुसार हर 3 महीने के अंतराल पर अपना OGTT जरूर करवाएं, जिसे कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है। खानपान में नियंत्रण के बावजूद अगर शुगर लेवल नहीं घट रहा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ सकती है। कई लोगों को पैरों और कमर में दर्द होता है, जिसका कारण होता है बदलाव हार्मोन्स में। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ने से कुछ स्त्रियों को रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द होता है। इससे बचने के लिए एक ही अवस्था में बहुत देर तक बैठने या खड़े होने से बचें। कामकाजी स्त्रियां ऑफिस में काम करते समय अपने पैरों को जमीन पर लटकाने की बजाय छोटे स्टूल पर रखकर बैठें। रात को लेटते समय पैरों के नीचे तकिया रखें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, देखते रहें लोटस आयुर्वेदा इंडिया।